और अब खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां पर हंडिया कोतवाली क्षेत्र के सैदाबाद चौकी अंतर्गत आने वाले हकीम पति नाथीपुर गांव में बहू के द्वारा ससुराल जनों को दहेज उत्पीड़न के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। वहीं हकीम पति गांव निवासी छतर पटेल ने बताया है कि उनकी बहू सुनीता पटेल पत्नी अखिलेश पटेल के द्वारा आए दिन घर पर विवाद करती है, साथ ही दहेज उत्पीड़न के फर्जी मुकदमे में फांसी लगाने की धमकी भी देती है। मामला है, हमारा एक बहू है जो 6-7 साल हो गई शादी हुई और वो यहाँ रहना नहीं चाहती, आए दिन हम लोगों को परेशान करती है, लड़ाई झगड़ा करके घर के और दहेज प्रथा में फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। उसकी कुछ रिकॉर्डिंग हमारे पास है जो वो बोलती है। अच्छा, आप उसे घर पर रखना चाहते हैं? मैं रखना चाहता हूँ। तो वो कहाँ पर है इस समय? मैं क्यों तो कैसे पता चलेगा आपको, कैसे धमकी दे रही है फोन करके? आज मतलब वो एक हमारा रिश्तेदार था जी, तो उसके उससे बात हुई थी, उसने कुछ गलत ढंग से बोलने लगी तो रिकॉर्ड चालू कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं? क्या रिकॉर्डिंग है इसमें? जो 18 मिनट जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्ड अगर सुन लिया जाए तो मालूम हो जाए। और अब खबर बरेली जिले से है, जहां पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि सपा कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर भंडारे का आयोजन भी किया और छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि इस दौरान राजेश कश्यप और फरीदपुर विधानसभा अध्यक्ष सुनील यादव समेत दर्जनों सपा कार्यकर्ताओं ने दोपहर केक खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी के 48वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम पर जो है किस तरीके का जो है कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है और किस तरीके से केक काट करके सेलिब्रेट किया है इसमें? समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी प्रत्येक वर्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं अन्न दान करता है, कहीं वस्त्र दान करता है और किसी न किसी रूप में अपनी सेवा देने का काम करता है। उसी रीति पर आगे चलते हुए आज उनके 48वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में फरीदपुर विधानसभा के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर एक साथ प्रेम भावना के साथ अन्नदान किया, भंडारे की व्यवस्था की और कहीं ना कहीं मेधावी छात्रों को सम्मानित करके उनको हौसला। खबर जौनपुर से है, जौनपुर में जिला प्रशासन लगातार भूमाफियाओं पर नकेल कसने का काम कर रही है। पिछले 3 दिनों में करीब 60 करोड़ के सरकारी जमीन को भूमाफियाओं ने चुंगल से छुड़ाया है और ग्राम समाज की जमीन पर भूमाफिया कागजों की हेरा फेरी कर अपना नाम दर्ज कराकर काफी दिनों से स्कूल और अन्य रोजगार किया जा रहा है, जिस पर SDM सदर ने बड़ी कार्यवाही करते हुए दोनों जमीनों को कब्जा मुक्त कराया, जिसे भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। ये गांव रजीपुर है जो शहर से सटा हुआ गांव है और थाना लाइन बाजार क्षेत्र के अंदर आता है, तो वहां पर एक जांच की गई थी जिसमें पाया गया था कि एक सरकारी भूमि थी जो एक प्राइवेट इंटर कॉलेज के नाम पे दर्ज कराई गई, तो इसमें विधिसंगत कार्रवाई करते हुए वो आदेश को एक आदेश किया गया था जिसमें उसका नाम खारिज करके पुनः सरकार के नाम पर दर्ज किया गया था। तो वहाँ पूरी फेंसिंग करके और एक बोर्ड अपना गढ़वा के अपना कब्जा प्राप्त किया गया जो लगभग 4 हेक्टेयर 130 वर्ग मीटर भूमि और लगभग इसकी जिसकी बाजारी मूल्य 28 करोड़ रुपए है, तो इसे अपने कब्जे में लिया गया था। साथ ही गांव ही की 3 एकड़ भूमि जो तालाब और बंजर की थी उसे भी कब्जा मुक्त कराया। जौनपुर में प्लास्टिक का प्रोग्राम ना करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सभी लोगों को शपथ भी दिलाई कि आज से सिंगल प्लास्टिक यूज का सभी लोग बहिष्कार करेंगे और इसके साथ ही जागरूकता रैली भी निकाली गई। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर खाना बनाने के दौरान अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और घटना में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 6 से ज्यादा लोग झुलस गए। झुलसे हुए लोगों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है और आपको बता दें कि हादसा कलाना थाना क्षेत्र के ग्राम विक्रमपुर में हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि लोगों के चित्थाड़े उड़ गए और उसी की वजह से शवों को पहचानना अब मुश्किल हो रहा है। ये दिल दहला देने वाला हादसा वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान हुआ।
थाना कलान क्षेत्र के मिर्जापुर ग्राम में एक परिवार में कल एक विवाह समारोह था, उसी के संबंध में आज तैयारियां हो रही थी। इसी में भोजन बनाते वक्त एक सिलेंडर फटने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें 3 महिलाओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उपचार के दौरान कुछ लोगों को भर्ती कराया गया था, उसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है। मौके पर पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निरीक्षण किया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर उन्नाव से है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते दो युवकों में विवाद हो गया और धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति ने असलहा निकालकर फायर कर दिया। इससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और घटना के बाद पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। थाना कोतवाली के तालीसराय मोहल्ले के विराट नाम के व्यक्ति साथियों के द्वारा जो है और से हत्या कर दी गई है। इस संबंध में जो है फायर भी हुआ है, इस संबंध में मृतक को जो है मतलब हॉस्पिटल में लाया गया और इस संबंध में खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर शाहजहांपुर की पुवाया तहसील सभागार में एसडीएम के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में 86 शिकायतें पहुंची और इस दौरान फरियादियों को काफी भीड़ दिखाई दी। आपको बता दें कि एसडीएम ने इस मौके पर कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंची गई सभी शिकायतों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाएगा और अगर संबंधित शिकायतों का निस्तारण समय से नहीं किया जाता तो संबंधित अधिकारी पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये आज तहसील दिवस है, लोगों की समस्या हम लोग सुन रहे थे, वहाँ ये बात एसडीएम साहब के द्वारा पहले भी बताई गई थी और बार के अध्यक्ष मिश्रा जी के द्वारा भी बताई गई थी। तो हम लोगों ने अभी स्थल देखा है तो उसमें एक टीम लगा करके पहले कच्चा नाला खुदवा के पानी निकालने की व्यवस्था होगी। बाकी जो सड़क को ऊँचा करने का है उसके लिए जो फंड आए हैं अभी, उसमें फंडों का व्यवस्थापन नए सिरे से करना पड़ेगा, उसकी तैयारी संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा कराई जा रही और उससे अप्रूवल मिलने के बाद उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ये